जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि फल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साची आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ए से लेकर जेड तक नाम वाले जातकों की साल 2024 में कब और किस दिशा में किस नाम से होने वाली है उसकी जानकारी दूंगा। तो आपका अगर नाम अक्षर ए से जेड तक में किसी भी लेटर से है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने विवाह की जानकारी याद कर सकते हैं। साल 2024 में आपके विवाह की योग है या नहीं है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब आप केपी की वाणी से विवाह की कुंडली भी बनवा सकते हैं। मामले सुल पर आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी हिंदी में विस्तार पूर्वक दी जाएगी। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, जल्द शादी के लिए क्या करें, जीवन साथी का नाम अक्षर क्या होगा, उनके ससुराल में कितने लोग होंगे, घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, किस क्षेत्र में वो कार्यरत होगा, क्या वह गवर्नमेंट सेक्टर से होगा, क्या वह प्राइवेट कंपनी में होगा या फिर निजी कंपनी में कार्यरत होगा या उसका खुद का कारोबार होगा। इसके अलावा संतान योग, राज्य योग, भाव योग, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सके हैं। इसके अलावा आपका स्वभाव कैसा रहेगा, नक्षत्र के अनुसार से आपको किस क्षेत्र में अपने करियर आजमाना चाहिए, कब आपका भाग्योदय होगा, किस वर्ष में, ये सभी जानकारी अब आप केपी की वाणी से एक क्लिक पर प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आप 8521835670 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण मौखिक या लिखित दोनों में से किसी एक माध्यम का चयन करा कर सके। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है। वहीं अगर आपकी शादी तय होने वाली है, तय हो रही है, अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा, इससे आपको विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आप संपर्क करें। मामले शुल्क पर हम लोग भी कुंडली मिलान कर पूर्ण जानकारी देंगे और इसका आपको लिखित में जानकारी दी जाएगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ए से लेकर जेड तक इन सभी नाम के जातकों की इस वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि साल 2024 में किस तरह योग बन रहे हैं। सबसे पहला लेटर ए है, तो अगर आपका नाम अक्षर ए से है, जन्मदिन ज्ञात है, तो आपको बता दें 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य जो भी ये नाम के जातक है उनके साल 2024 में 1 मई तक विवाह के योग है, तत्पश्चात विवाह के योग नहीं है या कम है। तो अगर आप ए नाम के जातक हैं, तो बी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। दिशा दक्षिण हो सकती है। वहीं अगर राशि की बात करें, कुंभ, कर्क, धनु और मीन राशि के साथ विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। बी अक्षर, तो बी अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि वृषभ होती है। अगर आप जन्मदिन से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 23 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो भी बी नाम के जातक है उनकी 1 मई के पश्चात विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, आर नाम के जातक, एच नाम के जातक, पी नाम के जातक, इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले हैं। बात करें राशि की, मकर राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधना श्रेष्ठ कर होगा। सी नाम के जातक, तो सी नाम के जो भी जातक होते हैं उनकी राशि मिथुन होती है। अगर आप जन्मदिन से यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो 24 से लेकर 29 वर्ष के मध्य जो भी मिथुन राशि के जातक है उनके साल 2024 में 1 मई तक विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, वैसे नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम के जातक के साथ आप इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंधने वाले। बात करें राशि की, तो कुंभ और सिंह राशि के जातक श्रेष्ठ करें। डी नाम के जातक यानी कि मीन राशि के जातक, अगर आपका नाम अक्षर डी से है, आपकी राशि मीन होगी, विवाह के योग जो है 21वें वर्ष से बनने लगते हैं। वर्तमान समय में केतु का और राहु का गोचर आपकी राशि में हुई है, तो 18 मई 2025 तक आपके लिए शुभ योग है। बात करें दिशा की, उत्तर और पूर्व दिशा में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, वैसे नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ अपने सूत्र में बन सकते हैं। मेष राशि के जातक के साथ विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। अगर आपका नाम अक्षर ई से होता है, आपकी राशि मेष होगी। अगर जन्मदिन से जानकारी प्राप्त करें, 22 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के मध्य मेष राशि के जातक परिणय सूत्र में बंधने के योग रहते हैं। बात करें नाम अक्षर की, तो ए नाम के जातक से भी, के नाम के जातक से और आर नाम के जातक से या टी नाम के जातक के साथ आपकी परिणय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। बात करें राशि की, तो कुंभ राशि के जातक के साथ विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। एफ नाम के जातक, तो अगर आपके नाम अक्षर एफ से है तो आपकी राशि धनु होगी। उत्तर और पूर्व दिशा में साल 2024 में विवाह के योग है। जन्मदिन से अगर जानकारी प्राप्त करें, 21 वर्ष से अधिक उम्र के जातक के विवाह के योग है। एस नाम के जातक, जी नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बनने के योग बन रहे हैं। मेष राशि के जातक के साथ विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। जी नाम के जातक, इनकी राशि कुंभ होती है। अगर आपका नाम अक्षर जी से है, कुंभ राशि के जातक 22 वर्ष से लेकर 29 वर्ष के मध्य जी नाम के जातक के विवाह के योग बनते
करते हैं। वर्तमान समय में साढ़े साथी का प्रथम चरण चल रहा है, इसके लिए आप साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है कुंभ राशि के जातक, तो थोड़े परेशान रह सकते। बात करें नाम अक्षर की, पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप अपने सुख में बंधने वाले। हालांकि अगर विवाह मिथुन राशि से करें, अगर विवाह मिथुन राशि के जातक से करें तो ज्यादा उत्तम हो। अगला नाम अक्षर एच है, तो अगर आपकी राशि कर्क है या नाम अक्षर एच है तो कर्क राशि होगी। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो 25 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। साल 2024 में गुरु के राशि परिवर्तन से गुरु कर्क में हमेशा उच्च के रहते हैं, तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और बात करें विवाह की, एल नाम के जातक, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप पर्ण सूत्र में भविष्य में बंधने वाले हैं। मेष राशि के जातक के साथ कर्क राशि के जातक के विवाह के योग शुभ होते हैं और उत्तर दिशा में इनके विवाह के योग है। आई नाम के जातक की भी राशि मेष होती है, मेष राशि के जातक के 22 से लेकर 27 वर्ष के मध्य विवाह की रहते हैं। बात करें नाम अक्षर की, एच नाम के जातक, वाई नाम के जातक, क्यू नाम के जातक के साथ आप पर्ण सूत्र में बन सके। कुंभ और मीन राशि के साथ पर्ण सूत्र में बनना श्रेष्ठ कर होगा। जे नाम के जातक मकर राशि के होते हैं, विवाह के योग 21वें वर्ष से बनते हैं। आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, एस नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बनने के योग रहते हैं। दिशा इनकी पश्चिम होती है विवाहित, और वृषभ राशि कन्या राशि के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बनना उत्तम माना जाता है। अगर आप जे नाम के जातक हैं, आगामी वर्ष 1 मई के बाद आपके विवाह के योग प्रबल। के नाम के जातक मिथुन राशि के होते हैं, अगर आपके नाम अक्षर के से हैं तो विवाह के योग 24वें वर्ष के पश्चात बनते हैं। और अगर आपकी आयु 24 वर्ष से अधिक है, साल 2024 में 1 मई तक विवाह के योग है, उसके पश्चात विवाह के योग बहुत कम है क्योंकि गुरु द्वादश भाव में विराजमान हो जाएंगे। बात करें नाम अक्षर की, पी नाम के जातक, एस नाम के जातक, वी नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बनने के योग है। सिंह राशि के साथ विवाह करना श्रेष्ठ करो। एल नाम के जातक की भी राशि मेष होती है। बात करें नाम अक्षर की, एच नाम के जातक, सी नाम के जातक, के नाम के जातक, बी नाम के जातक और वी नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बनने के योग रहते हैं। बात करें राशि की, मीन राशि के जातक, बात करें दिशा की, दक्षिण दिशा में विवाह के योग रहते हैं। एम नाम के जातक सिंह राशि के होते हैं, इनके राशि स्वामी सूर्य है, आराध्य भगवान विष्णु जी है। विवाह दिशा जो है वो पूर्व है, विवाह योग जो है 26वें वर्ष से बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, के नाम के जातक और एम नाम के जातक में किसी एक नाम के जातक से आप पर्ण सूत्र में बंधने वाले। एन नाम के जातक राशि वृषक होती है, आगामी वर्ष में 1 मई के पश्चात वृषक राशि के जातक विवाह के योग 100% बन रहे हैं। अगर आप जन्मदिन से जानकारी ज्ञात करें तो 21 वर्ष के पश्चात जो भी जातक है साल 2024 में विवाह के प्रबल बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, टी नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। सिंह राशि से विवाह करना श्रेष्ठ कर होता है, हालांकि आर नाम के जातक से इनके विवाह के योग अधिक रहते हैं। इसके अलावा पी नाम के जातक जो भी होते हैं उनकी राशि कन्या होती है, ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, एक बार पैर पर खड़े होने के पश्चात ही पर्ण सूत्र में बंधना पसंद करते हैं। विवाह के योग 27वें वर्ष से बनते हैं और 32 वर्ष तक इनके विवाह के योग रहते हैं। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, साल 2024 में 1 मई के पश्चात आपके लिए भी शुभ योग बन रहा है। ए नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक, जी नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ पर्ण सूत्र में बंधने वाले। मकर राशि जे नाम के जातक के साथ विवाह करना श्रेष्ठ कर होगा। क्यू नाम के जातक, इस्लाम धर्म के अनुयायी जो भी हैं उनके नाम अक्षर क्यू से अधिक होते हैं, उन्हें मैं बता दूं क्यू नाम के जातक की राशि कर्क होती है, इनके विवाह के योग 25वें वर्ष से बनेंगे। बात करें नाम अक्षर की, एच नाम के जातक, एफ नाम के जातक और एस नाम के जातक के साथ आपके पर्णय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। आर नाम के जातक की राशि तुला होती है और इनके विवाह के योग महज 20वें वर्ष से बनते, 20 से लेकर 32 वर्ष के मध्य आर नाम के जातक के योग रहते हैं, हालांकि 20 से लेकर 28 वर्ष तक आर नाम के जातक पर्णय सूत्र में बंध ही जाते हैं। बात करें नाम अक्षर की, एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, एम नाम के जातक के साथ पर्णय सूत्र में योग बन रहे हैं। सिंह राशि से अगर आर नाम के जातक विवाह हो तो ज्यादा उत्तम है, वैसे एन नाम के जातक से भी इनके पर्णय सूत्र में बनने योग रहते हैं। एस नाम के जातक की राशि कुंभ होती है, अगर आप एस नाम के जातक हैं विवाह के योग 22वें वर्ष से बनेंगे। बात करें नाम अक्षर की, बी नाम के जातक, आर नाम के जातक, ए नाम के जातक, इनमें से किसी एक नाम के जातक के साथ आप पर्णय सूत्र में बंधने वाले। बात करें राशि की, मिथुन राशि के जातक के साथ पश्चिम दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। टी नाम के जातक तुला राशि के होते हैं, इनके भी 20वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की, बी नाम के जातक, एन नाम के जातक, सी नाम के जातक के साथ आपके पर्णय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। यू, वी और डब्ल्यू, ये तीनों ही नाम अक्षर जो है उनकी जो राशि होती है वृषभ होती है, 21वें वर्ष से ही विवाह के योग बनते हैं। बी नाम के जातक के, पी आर ए, यू नाम के जातक के, जी आर, आई नाम के जातक से और डब्ल्यू नाम के जातक जो भी हैं उनके के, वी, सी नाम के जातक के साथ पर्णय सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। एक्स नाम के भी जो जातक होते हैं उनकी भी राशि वृषभ ही होती है, 23 वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। और जी नाम के जातक, एस नाम के जातक, डी नाम के जातक के साथ पर्णय सूत्र में बंधने के योग रहे। वाई नाम के अक्षर जो भी जातक है साल 2024
24 में 1 मई के पश्चात आपके विवाह के योग 100% बनेंगे। अगर आप वृषभ राशि के जातक ए नाम के जातक एल नाम के जातक यू नाम के जातक के साथ वर्ण सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं, जेड नाम के जातक जो होते हैं राशि भी मकर होती है, अगर आप मकर राशि के जातक या जेड नाम के जातक है, साल 2024 में 1 मई के पश्चात शुभ योग बनेगा। इनके भी विवाह के योग एस नाम के जातक एफ नाम के जातक एच नाम के जातक यानी क्यू और जेड दो नाम के जातक जो हैं उनके विवाह के योग एस एफ एच नाम के जातक से ही बनते हैं। वृषभ राशि के साथ वर्ण सूत्र में बनना श्रेष्ठ कर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी दी है। अगर जल्दबाजी में आप अपने नाम अक्षर का पूरा विवरण या जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रहे कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें, आपको यकीनन पूरी जानकारी निशुल्क दी जाएगी। तो इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं बनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं कि आप स्वयं जिम्मेवार हैं, आप चाहे तो केपी की वाणी संपर्क करें अथवा अपने नजदीक के किसी प्रकांड ज्योतिष से संपर्क कर विश्लेषण अवश्य कराएं। इस तरह के अनुभव देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। आपको यह जानकारी कैसी लगी अगर कमेंट कर हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा। अगर उसमें कोई विशेष सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट में परामर्श भी दें, कमेंट का इंतजार रहे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती रहे। आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय भाई।